अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदन है और हम लास्ट टू वीडियोस में बात कर रहे हैं कि अगर हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन की बात करनी है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है या उन दोनों के दरमियान में किस तरह का रिलेशन है, तो हम कोवेरियंस या कोरिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक अहम बात कि कोरिलेशन अगर दो हमने कंपेयर करने हो, यानी कि हमारे पास दो स्लोप्स हैं या दो लाइन है, हमने ये कहना है कि कौन सी बेहतर है। ठीक है, मुख्तलिफ सिचुएशन में हम कोई बताते हैं कि मेरे पास कोरिलेशन है, वो उसकी स्लोप ये है, और साथ ही एक और हम लाइन बता देते हैं कि उसकी स्लोप ये थी, तो हम इस चीज़ को किस तरह क्वान्टिफाई कर सकते हैं, या अगर मैंने दो कोरिलेशन को कंपेयर करना है मुख्तलिफ सिचुएशन में, तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। इस चीज़ का जवाब हमारे पास मौजूद है आज आर स्क्वायर के अंदर। आर स्क्वायर से हम सब फेमिलियर होंगे, जब हम पाइथन में कोई भी स्टेटिस्टिक का टेस्ट इस्तेमाल करते हैं या एक्सेल में इस्तेमाल कर लेते हैं डेटा एनालिसिस का, जो एड इन हमारे पास अवेलेबल होता है, या इसके अलावा हम मैनुअली भी अगर कैलकुलेट करते हैं, या SPSS या मिनी टैब या और मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू ज़रूर आती है जब हम कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो वो आर स्क्वायर हमें क्या चीज़ बता रही होती है? वो आर स्क्वायर हमें ये चीज़ बता रही होती है कि हमारा जो दो वेरिएबल्स का रिलेशन है वो कितना अच्छा है या कितना बेहतर है। आज हम उसी चीज़ को देखने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आर स्क्वायर हमें क्या बताता है और किस तरीके से वो हमें बताता है, और आर स्क्वायर को अगर हमें मैनुअली कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम इसमें हाइट और वेट की एग्जाम्पल ही लेते आ रहे हैं, वहाँ पर ये सैम्पल है और उसमें हमने आज इस फॉर्मूला में जाने से पहले वेरियंस को रिकॉल करते जाना है। हमने पहले भी वेरिएंस को रिकॉल किया था कि अगर मेरे पास ये मीन की लाइन है, ठीक है, ये एवरेज की लाइन है, तो मैंने इसका वेरिएंस निकालना है इस लाइन का, तो वो किस तरह होगा कि उस हर पॉइंट का मैंने उस एवरेज के दरमियान से डिस्टेंस माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये जो हर पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस लाइन से, जो एवरेज की लाइन मैंने निकाली है, उसका डिस्टेंस मैंने लेना है और उसको स्क्वायर्ड कर देना है और सम कर देना है। स्क्वायर क्यों करना है ये मैं इसी तरीके से पता है कि फिर ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो नीचे वाला डिफरेंस को फिर कैंसिल आउट कर देता है, और फिर उसको कोई खास इंटरप्रिटेशन होती नहीं है, इसलिए हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है कि हमने वेरिएशन ऑफ मीन की जब बात करनी है, वेरिएंस ऑफ द मीन लाइन की बात करनी है, तो हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। अब हम बात आ जाते हैं उसी की तरफ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और वो हमने उनके दरम्यान में रिलेशन देख रहे हैं। वट इफ आई से कि एक ही लाइन भी बन सकती है और एक ही लाइन भी बन सकती है, इन दोनों में से बेहतर कौन सी? अब इस चीज़ को हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि हमने क्वांटिफाई करना है, नंबर हमारे लिए अहम चीज़ होती है, तो इस चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इस चीज़ को किस तरह क्वांटिफाई करता है? वो हमें मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बताता है कि इस लाइन के आर स्क्वायर ये हो सकता है, इस लाइन का आर स्क्वायर ये हो सकता है। आर स्क्वायर होता क्या है? आर स्क्वायर असल में होता ये है कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कितना रिलेशन उस लाइन के उस दो वेरिएबल्स के बारे में हमें बता रही है। ये दो लाइन हमारे पास है, एक लाइन है ब्लैक और एक लाइन है ब्राउन। ब्लैक लाइन ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ वेट और हाइट का रिलेशन बताने में, या ब्राउन लाइन? चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक लाइन को लेते हैं और ये देखते हैं कि ब्लैक लाइन कितना हमें इन दोनों के दरम्यान में रिलेशन बता रही है। क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, तो मैंने आपको जो पिछली कैलकुलेशन हमने की हुई थी उसके अंदर वेरिएंस के दरम्यान में, या कोवेरिएंस के दरम्यान में, सॉरी, या कोरिलेशन के दरम्यान में, उन्हीं को लेकर चलना है। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इसे कुछ भी रैंडम एग्जांपल उठाकर इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, कि हमारे पास जो लाइन है उसका वेरिएशन, और ये हमारे पास, ठीक है, जो अपना ये वाली लाइन है वो वेरिएशन, एक एवरेज लाइन और जो हमने लाइन बनाई है उन दोनों का वेरिएशन को हमने आपस में माइनस करना है और डिवाइड कर देना है मीन वाली लाइन से। ठीक है, ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगेन, हम जब डेटा एनालिसिस में बात करते हैं तो हम इतना ज़्यादा फार्मूलाज की तरफ नहीं जाते। बताने का मकसद ये है कि फार्मूलाज में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ताकि जब आप उस चीज़ को देखें, आपके सामने आर स्क्वायर की वैल्यू आती है, या आपके सामने कोवेरियंस आता है, या आपके सामने कोरिलेशन आता है, तो आपके जहन में ये ज़रूर चले कि वो कैलकुलेट हुआ किस तरह और उसका मतलब क्या है। ठीक है,
आर स्क्वायर में हमारे पास इस तरह की चीजें आ रही होती हैं कि एक स्टैंडर्ड है और मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो कितनी उससे साइड पर है, ऊपर नीचे उसका वेरियंस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन हमारे पास है ये एक किस्म का स्टैंडर्ड है, ये बेस है, और उसके अर्द गिर्द हम डिफ्लेक्शन है वो चेक करते हैं और आर स्क्वायर उसके मुताबिक हम निकालते हैं। तो वो जो अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास आता है 0.81 यानी कि 81%। तो आर स्क्वायर अगर आपका 81% है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि 0 से लेकर 100 के दरमियान में होती है व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज के बगैर चाह रहे हो तो वो 0 से 1 के दरमियान में होती है। तो आपकी अगर परसेंटेज आ रही है 81%, इसका क्या मतलब हुआ कि 81% टाइम्स, या 81% टाइम्स आपके जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास वैल्यू होती है, जितना 100 के करीब जाएगा उतना आपका आर स्क्वायर के जो इंटरप्रिटेशन है, जो आपका रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, वो बेहतर है। अब मैं दूसरे अगर की बात करूँ, ये वाली लाइन, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेम फॉर्मूला से, मेरे पास 76% आता है। दिखने में दोनों ही करीब करीब लग रहे थे और वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है एक 81% और एक 76% है। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो ज़्यादा आर स्क्वायर हम लेंगे 81%, वो हम फाइनली लेकर जाएंगे और हम कहेंगे कि वो हमारा बेहतर है, वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा बेहतर क्यों है, क्योंकि वो हमें 81% टाइम्स एक जो दो वेरिएबल्स हमारे पास है वो एक दूसरे के रिलेशन को बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि हमारे जो कोरिलेशन है वो ज़्यादा है और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ये वाली बात करते हैं। और अगर ऐसा हो कि हमारा जो रिलेशन है वेरिएबल्स के दरमियान में वो इतना ज़्यादा ना हो, कोरिलेशन कम हो, तो ऑब्वियसली हमारा आर स्क्वायर पर फ़र्क पड़ता है, हमारा आर स्क्वायर नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि कोरिलेशन आपको नज़र आ रहा है कि बहुत कम है, सिर्फ ना होने के बराबर ही लग रही है, सिर्फ आई थिंक 2 पॉइंट है, हाँ 2 पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, बाकी बहुत ज़्यादा ये चीज़ है हमारे पास तकरीबन, तब बोल वहाँ पास कोरिलेशन नहीं होता वेरिएबल्स के दरमियान में। तो कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0 के करीब है, इसीलिए जो आर स्क्वायर है वो भी बहुत कम है, यानी कि 5% सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं दो वेरिएबल्स, एक्स जो है वो 5% वेरिएशन बता रहे हैं वाई के अंदर, राइट। तो इतनी वेरिएशन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। फ़ायदा तब होगा जब हम ये कहेंगे कि 95% या 81% टाइम्स हमें एक्स जो है वेरिएशन बता रहा है वाई के अंदर, या वाई हमें वेरिएशन बता रहा है एक्स के अंदर, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी जो वेरिएशन रह गई है वो रेंडम चांस हो सकता है, जाहिर सी बात है हम एक थ्रेशोल्ड तक ही अप्रोच कर सकते हैं। हम 100% पर लेकर जाएंगे तो उसके और ज़्यादा मसले हो सकते हैं, ओवर फिटिंग वगैरह के, उसमें हमने अभी नहीं जाएंगे। लेकिन आर स्क्वायर जितना ज़्यादा 90% 80% पे होगा उतना बेहतर हमारे लिए। इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है कि मेरी आर स्क्वायर जो है वो 0.91 है, तो आप कहेंगे दैट्स रियली गुड, क्योंकि 91% आपका वेरिएबल वेरिएशन को बता रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपसे कहता है कि मेरा आर स्क्वायर कोई 0.01 है, यानी कि ओनली 1% है, तो आपको आप कहेंगे बाकी 99% वेरिएशन कौन एक्सप्लेन करेगा, तो वो इज़ इट्स नॉट गुड, ठीक है। और यहाँ पर एक और सवाल भी आपके जहन में आ सकता है कि वाई आर स्क्वायर, आर ही हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, आर स्क्वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आर की जो इंटरप्रटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपने जहन में चीज़ों को। अगर मैं कहूँ कि मेरा आर था वो 0.9 है, ठीक है, तो आप आर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9 इट इज़ 0.81 यानी 81%। तो इसलिए हम आर स्क्वायर को लेकर आते हैं कि उसके इंटरप्रटेशन एकदम से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आती है, तो हमें ज़्यादा अपने मजीद कैलकुलेट नहीं करना पड़ता उन चीज़ों को। हमें पता होता है कि इफ़ आर स्क्वायर इज़ दिस, तो हमारा जो वेरिएबल है उनके दरमियान रिलेशन है वो कितना अच्छा है, और हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। इसलिए मजीद आर स्क्वायर को ही हम लेकर चलते हैं, आर को हम नहीं देखते, राइट। तो आज आपको समझ आ चुका होगा कि जब हम मुख्तलिफ कोरिलेशन को भी कंपेयर कर रहे होते हैं तो आर स्क्वायर बहुत अहम होता है, और आर स्क्वायर को देख कर हम फैसला करते हैं कि हमने इस कोरिलेशन को या इन वेरिएबल्स को आगे लेकर चलना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।